ढाई साल से बैच अलॉटमेंट के इंतजार में झारखंड कैडर के एक आईपीएस है। सरायकेला एसपी के पद पर पदस्थापित आनंद प्रकाश को 11 फरवरी 2019 में डीएसपी से आईपीएस रैंक में प्रोन्नति मिली थी, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी इन्हें बैच नहीं मिला। गौरतलब है कि इससे पहले साल 2017 में डीएसपी से आईपीएस रैंक में प्रोन्नति पाने वाले 6 आईपीएस को भी बैच नहीं मिला था, लेकिन इस साल सभी 6 आईपीएस को बैच अलॉटमेंट हो गया है। राज्य पुलिस सेवा से आईपीएस कैडर में प्रोन्नति के लिए उसी डीएसपी का नाम यूपीएससी को भेजा जा सकता है जिन्हें बतौर डीएसपी कम से कम 8 साल की सेवा पूरी कर ली हो। यह बता दें कि पुलिस सर्विस में बहाल हुए डीएसपी रैंक के किसी भी अधिकारी को अब तक किसी भी रैंक में प्रमोशन नहीं दिया गया है, जिससे सीनियर डीएसपी और एडिशनल एसपी के रैंक में पद रिक्त है। झारखंड में आईपीएस की कमी हो गई। झारखंड में आईपीएस के 149 पद स्वीकृत है जिनमें सिर्फ 106 आईपीएस ही है। इन 106 आईपीएस में 17 आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। वर्तमान में 89 आईपीएस के ऊपर राज्य के सुरक्षा व्यवस्था की कमान है। गौरतलब है कि राज्य पुलिस में सीधी बहाली से आईपीएस के 104 जबकि प्रमोशन से आईपीएस बने अधिकारियों के 45 पद है। राज्य सरकार में साल 2017 से आईपीएस अधिकारियों की प्रोन्नति नहीं हुई है, ऐसे में प्रमोशन से भरे जाने वाले 20 आईपीएस अधिकारियों के पद रिक्त हैं।